स्टूडेंट्स टूडेज आर इंग्लिश ग्रामर पीरियड एंड बीडरेड हाफ पार्ट ऑफ चैप्टर ट्वेंटी थ्रीबुलरी नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिसूट से हमको रीड करना था क्या होते हैं आपने हिंदी में पढ़ा होगा अनेक शब्दों के एक शब्द ठीक है तो इंग्लिश में उसको क्या कहा जाता है okay? तो फर्स्ट हमको दिया है वेजिटेरियन है ना तो वेजिटेरियन एक शब्द है है ना ये अनेक शब्द है इसका एक शब्द है तो वेजिटेरियन किसको कहा जाता है अ पर्सन हु ईट्स वेजिटेबल्स और फूड फ्रॉम प्लांट्स एक ऐसा पर्सन जो क्या करता है वेजिटेबल्स खाता है है ना एंड प्लांट uh, से जो फूड ऑप्टेंट होता है या प्राप्त किया जाता है वो खाता है उसको क्या कहा क्या कहते हैं हम वेजिटेरियन नेक्स्ट नॉन वेजिटेरियन अ पर्सन हु ईट्स मीट एक वो पर्सन जो मीट खाता है चिकन खाता है फिश खाता है ठीक है वो कौन उसको हम क्या बोलते हैं नॉन वेजिटेरियन नेक्स्ट है कार्निवोर कार्निवोर किसको कहा जाता है एन एनिमल दैट ईट्स ओनली फ्लैश वो एनिमल या एक ऐसा एनिमल जो सिर्फ फ्लैश खाता है मांस खाता है उसको कहा जाता है कार्निवोर नेक्स्ट है ओमनिबॉर ऑमनिबॉर किसको कहा जाता है एन एनिमल दैट ईट्स बोथ फ्लैश एंड प्लांट्स एक ऐसा एनिमल जो दोनों खाता है फ्लैश भी खाता हो और प्लांट्स भी खाता हो उसको क्या बोलते हैं नेक्स्ट कहा जाता है एन एनिमल दैट ईट्स ऑनली प्लांट्स एक ऐसा एनिमल जो सिर्फ प्लांट प्लांट खाता है उसको कहते हैं हरवि थीस्ट थीस्ट किसको कहते हैं अ पर्सन हु बिलीव्स इन गॉड एक ऐसा पर्सन जो भगवान में विश्वास रखता हो या आस्था रखता हो उसको कहते हैं थीस्ट नेक्स्ट है अथिस्ट अथीस्ट किसको कहा जाता है अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड एक ऐसा पर्सन जो भगवान में विश्वास नहीं रखता है नेक्स्ट फिलेंथ्रोपिस्ट किसको कहा जाता है वन हु लव्स ह्यूमन विंग्स वो व्यक्ति जो ह्यूमन विंग्स या मनुष्य जो होते हैं उनसे लव करता है उसको कहते हैं फिलेंथ्रोपिस्ट कैलीग्राफी किसको कहा जाता है सबको पता होगा आर्ट ऑफ डेकोरेटिव हैंडराइटिंग डेकोरेटिव हैंडराइटिंग की जो कला होती है है ना हैंडराइटिंग अलग अलग तरीके की जो लिखी जाती है जो डेकोरेटिव होती है उस कला को कहा जाता है कैलीग्राफी बायोग्राफी किसको कहते हैं लाइफ स्टोरी ऑफ अ पर्सन रिटर्न बाय समबडी एल्स एक पर्सन की लाइफ स्टोरी या उसकी पूरी उसकी जीवन की पूरी कहानी लिखना किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा तो उस कहानी को क्या कहते हैं बायोग्राफी नेक्स्ट है ऑटोबायोग्राफी ऑटोबायोग्राफी किसको कहते हैं लाइफ स्टोरी ऑफ हुमन रिटर्न बाय सॉरी लाइफ स्टोरी ऑफ अ पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ एक व्यक्ति के द्वारा खुद अपने जीवन की पूरी कहानी लिखी जाती है उसको कहा जाता है ऑटोबायोग्राफी नेक्स्ट है एस्ट्रोनॉमी द स्टडी ऑफ हेवनली बॉडीज हेवनली बॉडीज या जो भी आकाशीय या स्वर्गीय पिंड होते हैं है ना उसके अध्ययन को क्या कहते हैं हम एस्ट्रोनॉमी है ना जो भी आकाशीय पिंड होते हैं एंथ्रोपोलॉजी द साइंस ऑफ ऑरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ मैनकाइंड मानव जाति के उत्पत्ति एंड उसके डेवलपमेंट का जो विज्ञान होता है उसको कहा जाता है एंथ्रोपोलॉजी नेक्स्ट है फिजियोलॉजी फिजियोलॉजी किसको कहा जाता है द साइंस ऑफ द ह्यूमन बॉडी मानव शरीर का जो विज्ञान होता है उसको कहा जाता है फिजियोलॉजी फिर है साइकोलॉजी साइकोलॉजी किसको कहा जाता है द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द ह्यूमन माइंड एंड इट्स फंक्शंस ह्यूमन माइंड और उसके जो फंक्शन होते हैं माइंड के उसकी जो साइंटिफिक स्टडी की जाती है उसको कहा जाता है साइकोलॉजी नेक्स्ट जूलॉजी जूलॉजी किसको कहा जाता है द स्टडी ऑफ एनिमल्स एनिमल्स की जो स्टडी की जाती है है ना ये जिसको जीव विज्ञान भी कहा जाता है है ना तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग जुलॉजी नेक्स्ट है बायोलॉजी बायोलॉजी किसको कहते हैं द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उसकी जो अध्ययन किया जाता है उसको कहा जाता है बायोलॉजी केमिस्ट्री किसको कहते हैं द साइंस ऑफ केमिकल सब्सटेंसेज लाइक मिनरल्स ऑर्स एट्सेट्रा जो भी केमिकल सब्सटेंस होते हैं जैसे मिनरल्स है से, और से इसकी जो इसका जो विज्ञान होता है साइंस होता है उसको कहते हैं केमिस्ट्री फिर होता है ज्योग्राफी ज्योग्राफी किसको कहते हैं द साइंस ऑफ द अर्थ सरफेस अर्थ सरफेस फिजिकल फीचर्स है ना एंड पॉपुलेशन इन सब का जो अध्ययन किया जाता है जिसमें या इसका जो विज्ञान होता है उसको कहा जाता है ज्योग्राफी नेक्स्ट है पामिस्ट्री पामिस्ट्री किसको कहा जाता है द स्किल ऑफ प्रिडिक्टिंग सम वर्ड कैरेक्टर एंड फ्यूचर बाय रीडिंग हैंड हैंड को पढ़कर बोलते हैं ना किसी कोई कोई हस्त रेखा देखते हैं ठीक है तो हैंड को पढ़कर या हस्त रेखाओं को पढ़कर किसी का फ्यूचर बताना या किसी के बारे में कोई घोषणा करना ठीक है जैसे बोलते हैं ना भविष्यवाणी कर दी जाती है उसकी जो स्किल होती है उसकी जो कला होती है उसको कहा जाता है पामिस्ट्री तो ये आपको पूरा लर्न करना है ओके और इसकी पिक खींच आपको ग्रुप में सेंड करना हैवे नाइस डे